हेलो दोस्तों, आज आपके लिए प्रस्तुत है लेस्ली नोरिस की लिखी हुई कविता अ टाइगर इन द जू। और इस वीडियो में हम इसका हिंदी अनुवाद और इसका भावार्थ क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अ टाइगर इन द जू। तो पहली लाइनों में कवि कहते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेंज। तो विविड स्ट्राइप्स जो उसकी चमकीली धारियाँ होती हैं टाइगर के शरीर पे, और जो वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब हो गया, जब आपने टाइगर के पंजे देखे होंगे वो काफ़ी भरे होते हैं, और जब वो टाइगर या कैट उस पर चलते हैं तो उनकी आवाज़ नहीं आती, तो ऐसा लगता है जैसे वो मखमल पे चल रहे हो। तो वो टाइगर जो है अपनी चमकीली धारियों में घात लगाता हुआ अपने पिंजरे में ही कुछ कदम चलता है, और जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि वो मखमल की गद्दियों पे चल रहा हो, उसकी आवाज़ नहीं आती, और वो शांत दिखता है लेकिन उसमें क्रोध होता है अंदर, लेकिन उस क्रोध को उसने शांत भाव में दिखा रहा होता है वो। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो लर्किंग मतलब घात लगाना और प्लम मतलब मोटा, तो वह छाया में घात लगाता होना चाहिए। तो कवि कहता है कि जैसी अवस्था में वो है वैसी अवस्था में नहीं होना चाहिए उसे, उसे तो जहाँ पे मतलब छाया हो उस छाया में वो दुपक के वो घात लगा के बैठा हो, वो लंबे घास से फिसलता हुआ हो, पानी के मुहान के पास हो जहां से मोटा हिरन निकलता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। तो स्नार्लिंग, जब आपने देखा होगा कई बार जब कुत्ते या बिल्लियां जब बहुत गुस्से में होते हैं तो वो मतलब गरजते हैं, लेकिन वो अपने दांतों को मतलब किटकिटा के वो जब आवाज़ निकालते हैं उसे स्नार्लिंग कहते हैं। तो उसे तो जो जंगल के किनारों पे कगार पे बने हुए घर हैं उसके आसपास गरजते हुए घूमना चाहिए, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स मतलब दिखाते हुए जो उसके उसके नुकीले दांत हैं और उसके जो पंजे हैं, तो अपने नुकीले दांतों को अपने पंजों को उसको दिखलाते हुए उसे उसे घूमना चाहिए। और जो गांव वाले हैं उसे उससे डर लगे, मतलब वो गांव वालों को आतंकित बनाए, उसे ऐसी अवस्था में होना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वो कॉन्क्रीट सेल मतलब एक कंक्रीट के कमरे में बंद है, और जो उसकी ताकत है वो पिंजरे के सलाखों के पीछे है, और स्टोकिंग मतलब पीछा करता हुआ, तो वो अपने पिंजरे की जितनी लंबाई है उसी का पीछा करता है, मतलब उसी पे एक तरफ जाता है फिर दूसरी तरफ जाता है, वो मतलब दिन भर ऐसे ही करता है। और जो विजिटर उसे देखने आते हैं, जो जू देखने आने वाले जो बंदे होते हैं, वो उन्हें अनदेखा कर देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और जब रात हो जाती है तो अंतिम आवाज़ें जो होती हैं वो गश्त लगाती कारों की होती हैं, और वो मतलब टाइगर अपनी शानदार आंखों से शानदार सितारों को देखता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि कवि जिस अवस्था में टाइगर को देखता है उसे लगता है कि टाइगर उस अवस्था में कभी नहीं होना चाहिए, उसे स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपनी प्राकृतिक अवस्था में होना चाहिए, और जिस अवस्था में वो एक पिंजरे के अंदर बंद किया हुआ है उस अवस्था में उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ, आशा आपको पसंद आया होगा। अपने विचार अपने कमेंट हमें ज़रूर दें, और एक और रचना के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।